शक्ति की भक्त और भक्ति की ये कथा मा शिव महापुराण शिव महापुराण शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। भगवान शिव किरात का वेश धारण करके अपने आराधक अर्जुन के पास जाने के लिए प्रस्तुत होते हैं तो पार्वती को आश्चर्य होता है। शिव उन्हें बताते हैं कि वे अर्जुन की परीक्षा लेकर उसे इच्छित वर प्रदान करेंगे। उधर दुर्योधन द्वारा प्रेरित मूकासुर एक शूकर का रूप धारण करके अर्जुन की तपस्या भंग करने की चेष्टा करता है तो अर्जुन बाण चलाकर उसे यमलोक पहुंचा देता है। परंतु अर्जुन को इस बात का पता नहीं था कि किरात वेशधारी भगवान शिव ने भी अर्जुन की प्राण रक्षा के लिए उस शूकर पर बाण चलाया था। जब किरात बना नंदी मृत मूकासुर के पास पहुंचता है तो उसे मारने के विषय में विवाद प्रारंभ हो जाता है। किरात रूपी शिव भी वहां पहुंचकर अर्जुन को प्रताड़ित करते हैं और युद्ध की नौबत आ जाती है। दोनों धनुर्धारी अपने अपने धनुष उठा लेते हैं और बाणों से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। अर्जुन किरात से श्रेष्ठ धनुर्धारी सिद्ध होता है। शिव की परीक्षा पूर्ण होती है और वे अर्जुन पर प्रसन्न होकर उसे विजयश्री दिलाने के लिए पाशुपतास्त्र प्रदान करते हैं। अर्जुन जब पाशुपतास्त्र लेकर द्वैत वन लौटता है तो श्री कृष्ण नारद तथा सब पांडव उसका स्वागत करते हैं। कैलाश लौटकर शिव पार्वती को बताते हैं कि युद्ध में अर्जुन की विजय अवश्य होगी। यहीं से धर्मात्मा ब्राह्मण सुधर्मा तथा उसकी धर्मपत्नी सुदेहा की कथा प्रारंभ होती है। विवाह के कई वर्षों के पश्चात भी सुधर्मा सुदेहा संतान सुख से वंचित थे। संतान प्राप्ति के लिए सुदेहा अपने पति का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन घुष्मा के साथ करा देती है। घुष्मा परम शिव भक्त थी। वो अपने पति के साथ शिवाराधना करती है कि भोलेनाथ शीघ्र ही उसकी गोद भरकर उसके पति तथा बड़ी बहन सुदेहा की मनोकामना पूर्ण करें। परंतु सुदेहा को ऐसा प्रतीत होता है कि घुष्मा से विवाह के पश्चात उसके पति ने उससे आंखें फेर ली हैं। उसकी पड़ोसन मंदा सुदेहा के मन में ईर्ष्या का विष घोल देती है। भगवान शिव घुष्मा की प्रार्थना स्वीकार करके उसे एक सुंदर पुत्र प्रदान करते हैं। Ha ha ha!
शिवधन बेटा, शिवधन शिवधन बेटा, शिवधन देखो 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 शिवधन आओ सुदेहा। दीदी आओ, देखो तुम्हें तुम्हारा बेटा बुला रहा है। इसे हृदय से लगा रो दीदी। देख क्या रही हो दीदी, आओ उठा लो इसे, उठा लो इसे, आओ। आज हमारी बरसों की मनोकामना पूर्ण हो गई। हमारे घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजने लगी है। हाँ स्वामी, जानती हो स्वामी ने इसका नाम क्या रखा है? क्या? शिवधन। ये भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है नाम है, इसी कारण। बहुत अच्छा नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, शिवधन। शिवधन। देखा दीदी कितनी प्रसन्न है, अब दीदी का सारा रोष चला जाएगा, अब शिवधन के प्यार में वो सब कुछ भूल जाएगी। तुम सत्य कह रही हो खुशमा, सुदेहा अब और प्रेममयी हो जाएगी। हे शिवशंकर, आपने हमारी इच्छा पूर्ण कर दी, हम आपके आभारी हैं। धन्य हो भोलेनाथ, जय हो शिवशंकर, जय भोलेनाथ, जय शिवशंकर, जय शिवशंकर। आई पकड़ी थी अभी। अरे अरे अरे, अरे कहाँ भागते है तू? पकड़ो 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 पकड़ो, अभी अभी आई पकड़ी थी। पकड़ो 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 पकड़ो, पकड़ लिया। शिवधन शिवधन भागना पड़ी, शिवधन रुको रुको अभी। अरे बड़ा नटखट हो गया तू, अभी आती हूँ अभी आती हूँ, ऊपर चढ़ो। अरे शिवधन भागते है तू, अभी पकड़ो पकड़ो पकड़ो। आओ बेटा आओ, चलो अंदर चलो। हाँ माँ, माँ मुझे खिलौने ला कर दो माँ, सब बच्चों के पास खिलौने हैं, मेरे पास क्यों नहीं है? बेटे शिवधन मेरे पास आ, मैं तुझे देती हूँ खिलौने। हाँ लाओ लाओ, मैं अभी लाकर देती हूँ। कुमार से मैंने कहा है तुम्हारे लिए खिलौने बनाने के लिए। तुम झूठ बोलती हो, तुम झूठ बोलती हो बड़ी माँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। शिवधन मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। बेटी शिवधन, बड़ी माँ से ऐसी बात नहीं करते। फिर वो मुझसे झूठ क्यों बोलती है? मुझे खिलौने चाहिए अभी। अच्छा ठीक है, तेरे बापू से कहकर अभी तुझे खिलौने दिलाती हूँ। हाँ चल अंदर चल। लो बेटा खाओ, आज तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए मिष्ठान बनाया है। मिष्ठान? हाँ, तुम्हें मिष्ठान भाता है ना? हाँ। लो और लो। हाँ। अच्छा है ना? हाँ माँ बहुत अच्छा है। लो लो माँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। हाँ? बेटा पहले खा तो ले, रास्ते में खा लूंगा माँ। आप भी लीजिए ना। मैं तो ले ही लूंगा, पहले तुम तो खाओ। कैसा है? आपके हाथ लग गए तो ये और भी मीठा हो गया है। तुम सुमधुर हो, मधुर पाक तो बनाओगी ही।
तू सच कह रही है मंदा, वो दोनों शिवधन में मगन है और शिवधन उन दोनों में। उन तीनों के लिए जैसे मैं घर में हूं ही नहीं। तनिक गहराई से सोचो, तुम्हारे इस दुख संताप का कारण क्या है, कौन है? मेरा भाग्य, मेरे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। भाग्य को दोष देने से ही संताप मिट तो नहीं जाएगा। जहां तक मैं समझती हूं, तुम्हारे इस दुख की जड़ शिवधन है। शिवधन? शिवधन ने क्या किया है? ना तुम बालक की कामना करती, ना उनका दूसरा ब्याह होता, ना शिवधन जन्म लेता, और ना ही तुम्हारी घोर उपेक्षा होती। अब तो तुम उनके लिए बोझ समान बन चुकी हो। यदि तुम मर भी गई ना, तो उनको तनिक भी दुख नहीं होगा। तो मैं क्या करूं मंदा? अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? अब मैं क्या बताऊं? मैंने तो तुम्हें सब कुछ स्पष्ट करके बता दिया है। अब तुम अपने मन की शांति के लिए वही करो जो तुम्हारा मन कहे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी तुम्हें मन की शांति प्रदान करें। मन की शांति कैसे संभव है? तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बहन घुष्मा के साथ विवाह करके इस घर में तुम्हारे लिए एक सौत ले आऊं? बहन बहन होती है स्वामी, सौतिया डाहा बहनों के बीच असंभव है। और घुष्मा मेरी छोटी बहन है, हम दोनों मिलजुल कर रहेंगे। जो बातें अधूरी रह गई थी पहले वो तो पूरी हो जाने दो। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं? दीदी देख लेगी। तुमने जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारी? जब तुम्हारा पति तुमसे संतुष्ट था तो घुष्मा से उसका दूसरा विवाह कराने की क्या आवश्यकता थी? सारा गांव जानता है मैंने अपने बहन के साथ उनका दूसरा विवाह क्यों कराया। घुष्मा के मुंह में फंसकर अब आप मुझे अवांछित उपेक्षणीय समझने लगे हो। नहीं, अब आप मुझे छुटकारा पाना चाहते हो। लेकिन मैं कह देती हूं, मैं इस घर पर से, आप पर से अपना अधिकार कदापि कदापि नहीं छोड़ूंगी। यह घर मेरा है, इस घर की स्वामिनी मैं हूं, घुष्मा नहीं। तुम झूठ बोलती हो, तुम झूठ बोलती हो बड़ी मां। भाग्य को दोष देने से ही संताप मिट तो नहीं जाएगा। जहां तक मैं समझती हूँ, तुम्हारे इस दुख की जड़ शिव धन है। तुम्हारे इस दुख की जड़ शिव धन है। तुम्हारे इस दुख की जड़ शिव धन है। Thank you.
दिखाई नहीं दे रहा है। अरे यहीं कहीं होगा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? बाहर देखो, वहीं खेल रहा होगा। वो इतने सवेरे कभी नहीं उठता है, देर तक सोया रहता है, पता नहीं कहाँ चला गया। खुशमा, तुम बाहर जाकर देखो तो सही। शिवधान, शिवधान, बेटे शिवधान, 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 बेटी शिवधान, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? दीदी, शिवधान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं आपके पास तो नहीं है? नहीं तो? फिर कहाँ गया? जाएगा कहाँ, यहीं पे कहीं होगा। शिवधान! घुषमा, शिवधान का कहीं पता चला? नहीं नहीं, वो कहीं नहीं दिख रहा है, तनिक आप उसे ढूंढ के लाइए। मैं अभी उसे ढूंढ कर लेकर आता हूँ। शिवधान, शिवधान! दीदी मैं उसे बाहर देखती। शिवधान, 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 बेटा शिवधान। सुनो भैया, तुमने कहीं शिवधान को देखा है? नहीं तो? शिवधान, शिवधान, सुनो भैया, तुमने शिवधान को देखा? हमने तो नहीं देखा। कहाँ गया? शिवधान, शिवधान! भैया, तुमने शिवधान को कहीं देखा? नहीं देखा भैया। शिवधान, शिवधान, रामू, रामू, तुमने शिवधान को देखा? हमने शिवधान को नहीं देखा, वो आया नहीं। आया नहीं? फिर कहाँ गया? शिवधान, 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 बेटा शिवधान, शिवधान, बेटे कहाँ हो तुम? शिवधान, बेटा शिवधान, बेटे तुम कहाँ हो? शिवधान, 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 कहाँ हो बेटा शिवधान? स्वामी, हमारे शिवधान का कहीं पता चला? नहीं घुषमा, मैंने उसे गांव में, गांव से बाहर दूर दूर जाकर देखा, परंतु उसका कहीं पता न चला। हे भगवान, आप ही की कृपा का तो फल था हमारा शिवधन, अब कहाँ खो गया वो? हमें हमारा शिवधन लौटा दीजिए प्रभु, लौटा दीजिए। स्वामी, अब उसे ढूंढना व्यर्थ है, अब यहीं बैठकर भगवान शिव की आराधना कीजिए और पार्थिव शिवलिंग बनाकर जल में समर्पित कीजिए, अब वही लौटाएंगे हमारे शिवधन को। हे भोलेनाथ, हमारा शिवधन हमें लौटा दीजिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बड़ी माँ, शिवधन,
बेटे शोधन तुम कहाँ हो? बड़ी माँ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बड़ी माँ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बड़ी माँ, शिवधन मेरी मती मारी गई थी, मैं पागल हो गई थी बेटे, लेकिन तुम कहाँ हो? तुम्हें तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे क्या होता भला, शरीर के मरने से आत्मा थोड़ी ही मरती है। भगवान करे ऐसा ना हो बेटे शिवधन, लेकिन तुम मुझे पुकार रहे हो, तुम मेरे साथ बातें कर रहे हो, इसका अर्थ है तुम जीवित हो। हाँ, तुम जीवित हो। तुम कहाँ हो शिवधन? मेरे सामने आओ शिवधन। बड़ी माँ, मैं वहां पहुंच गया हूं जहां से कोई वापस नहीं आता। मेरा शरीर तो तुमने निष्प्राण करके जल में विसर्जित कर दिया है, ये स्वर तो मेरी आत्मा का है। बड़ी माँ, भगवान शिव से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारा घोर अपराध क्षमा कर दे। शिवधन, ये मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? शिवधन, भगवान मेरा जघन्य अपराध कभी क्षमा नहीं करेंगे।